जो भाई आती है न मानो जय सुख जी ने पूछो आ बैठा से भागवत ग्रंथकार ग्रंथ के अंदर विराजमान होता है ये वाणी श्री प्राणनाथ जी का वांग्मय कलेवर है ऐसा लगता है कि इन चौदह ग्रंथों के रूप में प्राणनाथ जी का संपूर्ण स्वरूप विराजमान होता है यदि हम उस स्वरूप की पहचान करना चाहते हैं कि वो कौन है तो हमें ब्रह्मवाणी के चिंतन में डूबना पड़ेगा श्रृंगार का एक प्रकरण है तुम्हारा आसिक कड़वा सच्ची यह है कि विगत 300 वर्षों में साढ़े तीन वर्षों में हम सुंदर साथ में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई होगी हमारी आत्मा न ने ने जाने कितने तनों को पकड़ा होगा लेकिन इस चरण का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है सामान्य सा अर्थ है एक छोटा बच्चा भी कह देगा क्या कठिन है आत्माओं मैं तुम्हारा आशिक हूं यह तो शब्दार्थ है शब्दार्थ कोई भी कर लेगा क्या हमने सोचा है कि यह कौन बोल रहा है जो हमारा प्राणेश्वर है जो आराध्य है जिनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं वो बोल रहा है रूह, रे मेरे मैं रे तुम्हारा आशिक रूह किसको कहते हैं यहां इतने सुंदर साथ बैठे हैं राज्य न करे मान लीजिए कि मेरी रूह मेरे शरीर से निकल जाए तो आप क्या करेंगे मेरे डेड बॉडी को सरसावा ले जाएंगे पन्ना जी ले जाएंगे यहां गुजरात में गड्ढा खोद कर दबा देंगे या जला देंगे और तो कुछ नहीं राजन स्वामी का इतना ही महत्व है कि उस तन में रूह है तो महत्व है नहीं तो कुछ भी महत्व नहीं है रूह से ही राजन स्वामी है रा, कौन कह रहा है इस प्रकरण का नाम है हक में भूख के जवाब आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं हे hey, राज जी आपके चरणों में जब से आए हैं कष्ट ही कष्ट दिखने को मिल रहा है हमारा बिजनेस चौपट हो गया हमारी नौकरी चली गई हमारा ये हो गया राज जी को उलाहने पर उल्हाने देते दे जा रहे हैं आपके नाम का माला भी जपते हैं पाठ भी करते हैं भोग भी लगाते हैं फिर भी आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं ऐसा लगता है कि आपसे अच्छे तो हनुमान जी हैं गणेश जी हैं तिरुपत के बालाजी हैं शिकायत तो हम सब कुछ करते हैं कभी हमने सोचा है कि इस वाणी को कहने वाला कौन है जिसके सत अंग से के संकेत मात्र से करता तो नारायण है अनंत ब्रह्मांडों का सृजन नारायण करते हैं अक्षर ब्रह्म नहीं करते अक्षर ब्रह्म तो संकल्प करते हैं कि अनंत ब्रह्मांड बन जाए उनके मन का स्वरूप मोह सागर में प्रकट होता है और वो देखता है कि चारों तरफ मोह सागर का अंधकार है इसमें अनंत ब्रह्मांड प्रकट करने और वो हो जाता है नारायण के संकल्प से ही क्षोभ होता है परमाणुओं में कंपन होता है दुनिया यहां तक जानती है इसके पहले क्या हुआ था ये संसार में कोई नहीं जानता वेद में एक मंत्र आता है यम विशिष्ट विशिष्टि आप आपभुवा यदि दधे यदि ना यह सृष्टि कहाँ से पैदा हो यह कौन इसको धारण कर रहा है हम नहीं जानते अधक्ष पर में व्योम सुद यदि ने जो इस समय सृष्टि का स्वामी है वो केवल आनंदमय धाम है केवल वही जानता है हम कुछ नहीं जानते अब सोचिए हम तो विश्वविद्यालय में कुछ डिग्रियां ले, ले लेते हैं कुछ किताबें पढ़ लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं जिसने जिस आदि नारायण से अनंत ब्रह्मांड बने हैं वो भी स... आदि नारायण को भी पता नहीं एक निराकार से परे की स्थिति क्या है जो अक्षर ब्रह्म है जिसके संकल्प मात से अनंत ब्रह्मांडों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है वो अक्षरातीत के हृदय को नहीं जानते और वह अक्षरातीत का हृदय श्रृंगार के इस अंतिम प्रकरण में उत्तर दे रहा है रूहो मेरे तुम्हारा आशिक मैं तुम्हारा आशिक हूं अभी मैंने आत्मा की परिभाषा बताई कि जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हमारा शरीर है राजू स्वामी किसका नाम है इस मिट्टी के पुतले का नाम है जीव के निकलते ही रूह के निकलते ही ये शरीर सड़ने लगेगा इसको जलाना पड़ेगा दफनाना पड़ेगा या पानी में बहाना पड़ेगा यह शरीर बोल रहा है कुछ भी कर रहा है रूह के कारण जिन परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत के खेल को देख रही हैं, माया के जीवों के ऊपर माया का तन धारण करके बैठी हैं, तो उनके अंदर भाव क्या पैदा हो गया है कि इस संसार ही तो मेरा घर है इस संसार के रिश्ते ही तो मेरे रिश्ते हैं इस शरीर का नाम ही मेरा नाम है जो शरीर का रूप है वही तो मैं हूं यही तो निद्रा है निद्रा में आने के बाद सभी ने जागने की परिभाषा ही भूल दी है समझ में नहीं आता कि जागने का ब्रह्मांड चल रहा है कि शयन का ब्रह्मांड चल रहा है हमसे तो अच्छे जब वो मनीषी हैं जिनके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं था एक, एक मां है जब अपने बच्चे को लोरी सुनाती है मदालसा क्या गाती है शुद्ध वश बुद्धवश निरंजन संसार माया परिवर्जित मेरे बेटे वो बच्चे को क्या पता कि कौन सी भाषा बोली जा रही है छह माह का बालक है उसको ये लोरी सुनाई जा रही है कि शुद्ध होश बुद्ध तू शुद्ध है बुद्ध है अवयव से रहित है तू माया से अलग है एक माँ अपने बच्चे को सुला रही है हम परमधाम का ज्ञान लेकर के बैठे हैं हमारी स्थिति क्या है क्या हम अपने को जानते हैं उत्तर मिलेगा नहीं हमें जो रटी रटाई बातें बता दी गई है कि हमने परम धाम में रब्द किया था ब्रज में आए रास में आए जागने के ब्रह्मांड में आए हैं खेल दे करके चले जाएंगे हम इस पर बहुत बहुत लंबी चौड़ी करते हैं खेल दिखाने वाला कौन है हम उसको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं जानते तो पहले भी नहीं थे अनाधिकाल से परमधाम में लीला होती रही है सामने देखना बातें करना ये जानना नहीं है सामान्य जानकारी है हृदय दूसरे हृदय को अपनी पूरी पहचान देना चाहता है जैसे कि मैंने कई बार इस संसार के दृष्टांत से समझाने का प्रयास किया है एक आम की गुठली है उस आम की गुठली में पूरा आम का वृक्ष समाया हुआ है बरगद का बीज है बरगद के बीज में एक छोटे से बरगद के बीज में पूरा बरगद का विशाल वृक्ष समा पड़ा है लेकिन जब बरगद का वही बीज धूप में तपने लगता है मिट्टी में नहीं मिलता तो उसको पता नहीं होता वो जल जाता है किसी पक्षी का हार बन जाता है उसको यह एहसास हो जाए कि मैं अपने अंदर एक विशाल वृक्ष को समय समेटे हुए हूँ तब लगता है कि हाँ उसकी चेतना कहीं ना कहीं जागृत हो रही है हम सुंदर साथ जो ये माया का तन लेकर के बैठे हैं हमारा शरीर भाव हमारा जीव भाव हमारा संसार भाव हमें अनंत परम धाम के सौंदर्य प्रेम और आनंद से वंचित किए हुए हैं हम रोते भी लगते हैं अक्षरतीत को हमने एक देवी देवता ही तो बनाया है जब मैं गुम्ब जी जाता हूँ तो देखता हूँ कोई नारियल चढ़ा रहा है कोई नारियल बधवा रहा है जैसे हनुमान जी के मंदिरों में देवी के मंदिरों में नारियल बधाए जाते हैं हम भी वही करते भाई चुराज मंदिर जाता हूँ देखता हूँ कोई चूड़ियाँ खरीद रहा है कोई साड़ियाँ ख़रीद रहा है कोई कुछ चढ़ा रहा है उसके साथ एक मन्नत की एक लिस्ट है कि महारानी जी ये काम पूरी कर दोगी तो अगले साल हम कुछ और चढ़ा दें जैसे भीख दे रहे हो क्योंकि सारे धन के मालिक तो आप हैं सर्वशक्तिमान अक्षरातीत को आपने बीस रुपए के नारियल से खरीद लिया है और उनकी तुलना एक देवी देवता से कर बैठे हैं वो क्या कह रहा है रूहो मेरे तुम्हारा आशिक आपने संसार के किसी ग्रंथ में पढ़ा है संसार का हर ग्रंथ परमात्मा की महिमा के क्योंगाता है परमात्मा दयालु है कृपालु है यही तो पढ़ते हैं आप लेकिन परमात्मा आपके लिए तड़पता है कभी ये पढ़े असी की परिभाषा क्या होती है रोम रोम में रम रहिया, या आसिक असिक के अंग इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक कई रंग आसिक के रोम रोम में उसका मासूक बसता है कभी हमारा सुंदर साथ का समूह इस चौपाई का अर्थ समझ जाता तो कभी सपने में भी नहीं कहता कि प्राणनाथ जी एक महान सं... साहित्यकार थे महान भक्त थे देवचंद जी के शिष्य थे छत्रसाल जी के गुरु थे ये विशेषण आज चिल्ला चिल्लाकर कहे जा रहे हैं कभी किसी ने सोचा है एक सर्वशक्तिमान है सकल गुण निधान है और वह अपनी आत्माओं को अपनी पहचान दे रहा है मैं रे तुम्हारा आशिक मैं तुम्हारा आशिक हूं अर्थात मेरे रोम रोम में तुम बसते हो तुम कौन हो मेरे रो तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है हमने अपनी पहचान क्या बनाई है हमने अपने नाम के आगे जो दास लगाना शुरू कर दिया या तो हम दास बन गए या प्रथम श्रेणी के अहंकारी बन गए देखिए क्या मत तमाम एक चौपाई आती है ले रोशनी दौड़े दासान उदास दासों का दास दासों का दास कौन होगा जो प्रेम में डूब गया वो दासों का दास होगा दास की एक सीमा होती है दास को आप वेतन देंगे अपना तन मन निछावर करके सच्चे हृदय से सेवा से करेगा लेकिन आपको दस्त लग जाए आप कि शरीर की ऐसी अवस्था हो जाए कि आपके कपड़े गंदे हो जाए तो दास के मन में घृणा हो जाएगी अरे इस नौकरी से तो अच्छा कहीं और बढ़िया नौकरी कर लूँगा लेकिन जो आपकी सहधर्मणी है जिसके साथ आपके चार फेरे हुए हैं वो सोचेगी कि, कि नहीं मेरा पति ही मेरा सर्वस्व है चाहे उसकी गंदगी उठानी पड़े चाहे कुछ भी उठानी पड़े जो कार्य वह कर सकती है पैसे पर चलने वाला दास नहीं कर सकता वो क्या करेगी सारा कार्य करेगी उसको क्या कहा गया वो तो दास की भी दास है इसलिए हम जब पद्धति पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं मूल हमारो आनंद है। हम आनंद के अंग हैं हमने अपनी पहचान खो दी किन का जो पहला प्रकरण है पहले आप पहचानो साधो पहले आप पहचानो उसकी दूसरी पंक्ति क्या है बिन चिने आप पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू बिन चिन्ह आप जिसे स्वयं के स्वरूप की पहचान नहीं हुई है राज्य ने जिसको अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं दी है कौन कहे मैं जानो वो अक्षरातीत की पहचान क्या करेगा हम मुंह से कहते हैं कि हम परम धाम से आए हैं लेकिन पहचान तो हमारी शरीर की है शरीर की पहचान इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुंदर साथ में प्रांत के अनुसार विभाजन तो है गुजराती पंजाबी नेपाली गुजराती सब है धन के आधार पर विभाजन है गरीब अमीर बड़े सुंदर साथ, छोटे सुंदर साथ, उम्र के अनुसार विभाजन है शरीर के सौंदर्य के अनुसार विभाजन तो विभाजन है क्या हमारी आत्मदृष्टि खुली है हमसे अच्छे तो गीता है गीता वाले हैं जो गीता वाले क्या कहते हैं सुन वे हुए सोपा के चे विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में मेरे मुख से न चाहते भी यह श्लोक बार बार निकल जाता है ब्राह्मण में गाय में कुत्ते में चंडाल में जो सब में एकत्व को देखता है वो पंडित कहलाता है पंडित से ऊपर की शोभा होती है ज्ञानी की, उसके की, सोबा है की उसके ऊपर होती है ऋषि मुनि की उसके ऊपर की शोभा होती है ब्रह्म ज्ञानी की पंडित तो छोटी उपाधि है उसके लिए भी कहा गया है कि वो गाय में ब्राह्मण में कुत्ते में और चंडाल में भेद न देखे चेतना का स्तर पर भेद न रखे हम सुंदर साहब तो कितनी लड़ाइयाँ करते हैं हमारी अस्सी प्रतिशत ऊर्जा तो क्या लड़ाइयों में जाती है एक दूसरे को अब फेसबुक उठाकर देखिए कितने अमृतमय वचन बोले जाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं समझता हूँ सबसे अमृतमय वचन मुझे बोले जाते हैं मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि कम से कम बेचारे मेरा नाम तो लेते हैं राज्य से ज़्यादा कभी कभी मेरा ही नाम ले लेते हैं मैं ये कह रहा हूँ हमें अपने स्वरूप की कोई पहचान नहीं है मैं रे तुम्हारा आशिक तुम्हारे बिना मेरा ही अस्तित्व नहीं है हम उनको कहते हैं प्राणनाथ वो कहते हैं कि तुम मेरे प्राणनाथ हो क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक हूं तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक क्या कहते हैं प्रीतम मेरे प्राण के तुम कौन हो मेरे प्राणों के प्रीतम प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आतम नोर तुम मेरी नोरी अंगना हो मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं तुम्हारे मन माया के खेल को दुखी कर रहे हैं दुखी हो रहे हैं तो मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा कौन कह रहा है जो हमारा प्राणनाथ है वो कह रहा है कि तुम मेरे प्राणनाथ हो आप कभी सोचते हैं जो हमको अपना प्राणनाथ कहता है हम उसको क्या कहते हैं भगत प्राणनाथ जी को तो हम देवचंद जी का शिष्य बना बैठे हैं देवचंद जी को कृष्ण परमात्मा का भक्त बना देते हैं और उनका शिष्य प्राणनाथ को बना देते हैं एक साहित्यकार बना देते हैं संसार में तो एक से एक साहित्यकार हुए हैं जो सैकड़ों ग्रंथ लिखते हैं तो क्या प्राणनाथ जी साहित्यकार हैं तालियां बजाई जाती हैं हमारे समाज के शीर्षस्थ उस पर गौरवान्वित होते हैं कि प्राणनाथ जी एक महान साहित्यकार हैं हम यूनिवर्सिटी में उनके साहित्य पर एक शोध संस्थान खोलेंगे आप सोचिए हमने प्राणनाथ रूपी हीरे को शीशों के मोल बेचना शुरू कर दिया है हमें क्या अधिकार है यदि आप हीरे को हीरा नहीं कहने की सामर्थ्य रखते हैं तो शीशा तो कम से कम मत कहिए शायद ज्ञान की महिमा को हम नहीं जानते हैं क्योंकि एक नीति की शिक्षा है जाके पैर ने फटी भी वाई वह क्या जाने पीर पर आई मुगल आक्रांता आते गए जानते हैं बाबर को खुशी कब होती थी जब हिंदुस्तानियों के कटे हुए सिरों से एक मीनार सजा दी जाती थी तो बाबर उसको देख करके खुश होता था यही तैमूर लंग की हालत थी यह याद रखिए आप किसी मठ में बैठे हैं आप बहुत बड़े पूज्य स्थान पर हैं गाधिपति हैं महाराज हैं विद्वान हैं कुछ भी हैं यह सोचिए यदि आपने ज्ञान के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया तो आने वाली मानवता आपको कभी भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगी हो सकता है आपके प्रशंसक आपके तन रहते रहते जय जयकार करें लेकिन आने वाला इतिहास इस बात की साक्षी रहेगा यदि मुगल काल में यह सम्राट अशोक के बाद जैसे जैसे समय आता है गुप्त काल के बाद आप सोचिए शक हु कुषाणों ने आक्रमण किया गांव के गांव समाप्त कर देते थे बड़े बड़े विश्वविद्यालय समाप्त कर दिए गए तक्षला विक्रमशिला नालंदा के विश्वविद्यालय समाप्त कर दिए गए आक्रांता आते थे गांव के गांव को जला देते क्योंकि उनके पास ज्ञान विज्ञान नहीं था आपको राजी ने परम धाम का ज्ञान दिया है इस ज्ञान के अवतरित होने के बाद सुंदर सात अज्ञानता के नींद में भटकते रहे मानवता खून के आंसू रोती रहे तो इस अपराध का उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होगा उनके ऊपर जिनके हाथों में धर्म ध्वजा दी गई है कि वो ज्ञान का प्रकाश आलोकित करें अभी मैंने जो कहा कि रूहू मेरे मेरे तुम्हारा असिक इस चौपाई की पूरी व्याख्या केवल परमहंसों के पर हृदय में रही है सामान्य सुंदर साथ नहीं समझ पाया है इसलिए हम प्राणनाथ जी को एक मानवीय व्यक्तित्व के रूप में देखने का प्रयास करते हैं ठीक है कि उनका तन मिराज का तन है हमारी तरह दो हाथ दो तो पैर हैं लेकिन यह तो सोचिए उस तन में परम धाम की वह आत्मा है जिसके हृदय में अक्षरातीत के हिलादनी शक्ति विराजमान है अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है अक्षर की जागृत बुद्धि विराजमान है जो उसकी शक्ति विराजमान है और इन शक्तियों से शुभित होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी अवतरित हो रही है और वो ब्रह्मवाणी हमको पुकार करके कह रही है मेरी मेरे तुम्हारा आशिक मैं तुमसे तुम्हारे अंग अंग की शोभा को मैं अपने रूम रूम में बसाए रखता हूं आशिक उसी को कहलाने का अधिकार है कि रूम रूम में रमी रहिया जिसके रूम रूम में उसका प्रीतम बसता हो हम राज्य को बसाएं या ना बसाएं राज्य हमें हर पल बसाए करते हैं हम तो सवेरे उठेंगे पांच मिनट पाठ कर लिया कुछ मेर सागर का पाठ कर लेंगे आंखें मूद लेंगे दस पंद्रह बीस मिनट हो गया सब कुछ प्रेम हो गया उसके बाद हम पुनः अपने माया के कार्यक्रम में लिप्त हो जाते हैं लेकिन राज जी हमारे परात्म के तन को एक पल देख रहे हैं एक पल भी ह अपनी नजरों से उछल नहीं कर सकते हम तो यहाँ कितने रिश्ते बना बैठे हैं सबको मालूम है राज्य से ज्यादा प्रेम हम अपनी पत्नी से करते हैं पति से करते हैं बच्चों से करते हैं संगी समाधियों से करते हैं दौलत से करते हैं सुख सुविधाओं से करते हैं राज्य किससे करेंगे वो तो हमको नहीं छोड़ सकते हम उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने शरीर भाव लिया है जीव भाव लिया है हम कुछ भी महिमा का फैलाव नहीं कर सकते तो कृपा करके उनको साहित्यकार न कहें भक्त न कहें आचार्य न कहें एक परंपरा चल गई है कैसी मानसिकता है कि पहले आचार्य श्री देवचंद जी दूसरे आचार्य महामती जी कैसी भाषा है इसका अर्थ यह है कि हमने ब्रह्मवाणी को नहीं जाना यह सौभाग्य का विषय है कि आज जो एप लॉन्च किया गया है इसमें समर्थ है कि अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ भी अब यह नहीं कह सकता कि इस चौपाई का अर्थ हमें कोई बता दे अब वह युग गया कि जब रटाया जाता था हवे मैंने अब पहले मैंने पहले कहूं मोहजलि बात मोहजल की बात अब युग गया अब तो राज से क्यामत क्या तक की व्याख्या आप एक को एक भाषाओं में सुनने को मिलेगी पढ़ने को मिलेगी सत्तर भाषाओं में आप उसकी व्याख्या सुन सकते हैं जिसको चाहे दुनिया के एक से एक कोने में भेज सकते हैं अभी हम इस भव्य भवन में बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं लेकिन कभी हमने कभी सोचा है कि इस भवन को बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा होगा उन मजदूरों की ओर तरफ देखिए जो तपती धूप में ईंटें जोड़ते होंगे प्लस्तर करते होंगे सब कुछ करते होंगे हम तो आकर के बैठ गए हैं उसी तरह से एक ये जो आज जो सुविधा है कि हम आसानी से संसारे सारे संसार को एक भाषाओं में वर्तमान में 133 है आने वाले समय में एक भाषाओं में जल्दी ही हो जाएगा आप जानते हैं ज्ञानपीठ के छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल की अवस्था में सारे ग्रंथों की टाइपिंग करते थे सचतानंद राजकुमार अशोक ये उस समय चौदह पंद्रह वर्ष के थे सब ने टाइप किए ज्ञानपीठ का जो भी साहित्य प्रकाशित हुआ है सारे मैं समझता हूँ नब्बे प्रतिशत ज्ञानपीठ के ही बच्चों ने टाइपिंग की है उसके पश्चात अनुज जी ने छः घंटा प्रतिदिन देकर वेबसाइट यूट्यूब फेसबुक ट्विटर सब कुछ चलाया कार्य किया समय बीता गया उस टीम में आशीष जी जुड़े श्रेयस जी जुड़े और श्रेयस जी और उनकी पत्नी प्रियंका के सहयोग से राज जी ने ऐसी कृपा कर दी कि एक भाषाओं में हम टीका को पढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं सत्तर भाषाओं में उसकी ऑडियो सुन सकते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक महान लक्ष्य को देने में जैसे एक भव्य भवन को खड़ा करने में ईंटें कोई बनाता है जोड़ता कोई और है प्लस्तर कोई और करता है पेंटिंग कोई और करता है सब कुछ कार्य राज्य करवाते गए यहां के तनों को पकड़ करके हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित है आप सोचिए जिस महामती जी के धाम हृदय में परमधाम के ज्ञान का सागर लहरा रहा है वह तन गांव गांव घूम रहा है वन वन में घूम रहा है कभी मंदसौर कभी औरंगाबाद आप सोचिए जिनके इशारे मात्र से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है वो कामा पहाड़ी से उदयपुर तक जाने में उनको कई दिन भूखो रहना पड़ता है लेकिन वहां कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते जिनके चरणों की चरण रच पाने के लिए लक्ष्मी जी किलकिला बनकर के वहाँ वहां प्रवाहित हो रही है वह तन भूखों से पैदल चले मंदसौर में आठ महीने भिक्षा के टुकड़े पर अपना गुजारा करे क्यों ऐसा क्यों किया था ताकि आने वाली पीढ़ियां तारतंबाणी के प्रकाश को समझ जाए उन्होंने कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया कि मैं अक्षरातीत हूं मैं जो चाहूं तो कर सकता हूं लेकिन नहीं कर सकते किरंतन में इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है कि मैं क्या करूं मेरी एक आदेश के इशारे मात से असरा फेल करोड़ों ब्रह्मांडों को लय कर सकता है लेकिन मेरे साथ जो समूह है सुंदर साथ का अंधकार में भटका है तो आज तो सुंदर साध के पास ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए आज इक्कीसवीं सदी में संसार प्रवेश कर रहा है इस इक्कीसवीं सदी में आप जानते हैं छोटा से छोटा बच्चा ज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाता है आप टीवी देखते हैं तरह तरह के संचार साधनों का उपयोग करते हैं आप देखिए विदेशों में भी आज छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में कितने अग्रगण्य हो गए हैं युवा वर्ग तो आप जानते हैं जब किसी कंपटीशन को पास करना होता है तो 18-18 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन मुझे जब धार्मिक क्षेत्र में शून्यता दिखाई देती है ज्ञान की तो बहुत पीड़ा होती है ये महलों जैसे मंदिर बन बन करके क्या करेंगे जब वहां वाणी की चर्चा ही नहीं होगी तो करोड़ों करोड़ों के मंदिर तो बन रहे हैं लेकिन ब्रह्मवाणी के प्रकाश की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है यह ब्रह्मवाणी फैलेगी तो सारे संसार के जीवों को अखंड मुक्ति का आनंद मिलेगा यह ब्रह्मवाणी फैलेगी तो सबका हृदय मंदिर बनेगा हक इलम जित तित अर्श हुआ दिल हक जो भी प्राणी चाहे सालिग्राम की चाहे मूर्ति पूजता हो आप सोचिए क्या है जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता एक व्यक्ति नदी में बते हुए पत्थर को विष्णु भगवान मानकर परमात्मा मानकर पूजने लगता है कोई वृक्ष की पूजा करता है कोई नदियों की पूजा कर रहा है हमें परम धाम का ज्ञान मिला है हम मंदिरों में छिपाए रखे हुए हैं हम इस तरह की यशस्वी प्रवक्ता क्यों नहीं तैयार करते कि वो सारे संसार में वाणी की गर्जना करके सारे संसार को संदेश दें कि कुरान के नाम पर खून की नदी बहाने का सपना देखने वालों आओ हम तुम्हें कुरान की वास्तविकता बताते हैं वेद के रहस्यों को जानने के लिए लंबी लंबी समाधि लगाने वाले मनुष्य आओ हम वेद के माध्यम से तुम्हें परम धाम की पहचान कराते हैं सो लीला अद्वैत सचता की पहचान कराते हैं हम कंठी पहनने के लिए संसार में नहीं आए हैं कई बातें मेरी चुप जाती है कि मैं क्यों प्रहार करता हूं मैं इसलिए प्रहार करता हूँ सोते हुए को एक बार आवाज दी जाती है कि भाई उठो नहीं उठता है तेज आवाज में बोलना पड़ता है आपको तुलसी की कंठी तो रामानंद मत में भी मिल जाएगी रामानुज में भी मिल जाएगी निम्बारका मत में चले जाएं बड़ी मालाएं मिल जाएगी फैक्ट्रियां लगा दीजिए जितने कुंतल की कुंतल मालाएं तैयार कर लीजिए कंठी की क्या हो जाएगा गले में पाल लेंगे तो यदि आप कि, किसी के हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रवेश नहीं करा सकते उसके हृदय में युगल स्वरूप की छवि नहीं बसा सकते तो वो कोई अध्यात्म नहीं है अध्यात्म क्या कहता है जो हमारी आत्मा का प्रीतम है वो कहाँ बसता है हक नजीक से रेक से पूरी वाणी को एक वाक्य में कहा जाए तो सार क्या निकलेगा हमारा प्राणेश्वर हमारे प्राण की नली से निकट बसता है यह बात परम धाम में अनादिकाल से श्यामा जी को नहीं मालूम थी सखियों को नहीं मालूम थी ये बताने के लिए ये तो खेल बना है तुम रूहे मेरे तन हो जो तुम्हारे ये तन दिखाई दे रहे हैं मेरे ही तन है मेरे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है सिंगार की एक चौपाई बहुत कुछ कहती है आसिक इन चरण की ब्रह्म क्या है? के चरणों की आसिक है आसिक इन चरण की आसिक के रूह चरण आसिक की रूह ब्रह्म सृष्टि क्या क्या है राज्य के चरणों की आशिक है ब्रह्मात्मा क्या चाहती है वो केवल राज्य के चरणों को चाहती है और राज्य के चरण ही सृष्टि के लिए जीवन के आधार है वही सृष्टि राज्य के चरणों के बिना नहीं रह सकती चरण का पर स्वरूप सृष्टि के जीवन का आधार कौन है राज्य और राज्य का आधार कौन है ब्रह्मात्मा तो आप सोचिए आप कौन है आप अपने को असहाय समझे बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अरे हम तो गृहस्थी हैं सागर का पाठ कर लेते हैं वही बहुत होता है ये घुट्टी आपको किसने पिला दी है किसी शेर के बच्चे को बार बार कहा जाएगा अरे तू तो गीदड़ का बच्चा है तो सोच सोच कर सोचेगा कि सचूच में गिदड़ का बच्चा हूं या उसको कह दिया तू भेड़ का बच्चा है तो बेचारा घास भी खाने की कोशिश कर सकता है वैसे ही हमें पहचान दी गई है कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते अक्षरतीत अच्छा हमें अपनी पहचान दे रहे हैं रू मैं रे तुम्हारा सिख मैं मेरा हृदय तुम्हारे लिए धड़कता है मेरे हर रूम में तुम बसे हो ये जुदायकी क्यों कैसे है मासुख बिना अपने तन यदि तारतम वाणी का प्रकाश हो जाएगा तो मैं सोचता हूं सारा सुंदर सा जग जाएगा आज आवश्यकता है संसार को जागृत करने की आप सोचिए राधा स्वामी मत में प्रतिदिन ब्यास में जाएंगे एक लाख लोगों का सत्संग होता है जब उनका वार्षिकोत्सव होता है तो सात आठ लाख लोग एक साथ बैठते हैं हम भी तो चालीस लाख हैं हमारे समाज में एकता क्यों नहीं है हमारा समाज जागरूक क्यों नहीं हो रहा वो चार लाख पांच लाख लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं निराकार का ही करते हैं तो क्या हम तो चार हजार भी कभी दृश्य नहीं आता कि गुमर जी के पीछे चार हजार सुंदर साथ बैठे हों और बैठ करके चित्यों नहीं करें क्यों समाज को मार्ग क्यों नहीं दिखाई जा रहा यदि एक लाख लोग एक लाख सुंदर साथ बैठ जाते दस हजार बैठ जाते सारे संसार में एक संदेश जाता कि देखिए निजानंद संप्रदाय के पास परमधाम का वह ज्ञान है वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके द्वारा इस संसार में बैठे बैठे साक्षात परम धाम को देखा जा सकता है हमने अपने हीरो की खान को छिपा रखा है हीरो की खजाने की चाबी हमने फेंक दी है और हम दर दर कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं हमने अपने अपनी गरिमा की पहचान नहीं है न प्राणनाथ जी की गरिमा की पहचान है न वाणी की गरिमा की पहचान है न अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान है यह पहचान कब होगी जब तारतम वाणी का प्रकाश फैलेगा तब इसके पहले नहीं होनी है इसलिए ज्ञान चक्षु खुले बिना मनुष्य तो अंधा ही होता है ये आंखें बाहर के दृश्यों को देख सकती है लेकिन मस्तिष्क में यदि बुद्धि का विकास ना हो हृदय में प्रेम की रसधारा ना हो तो ये आंखें कौड़ी के समान है जो देखती तो हैं, लेकिन कुछ करने नहीं देती एक पागल व्यक्ति के सामने शीशा रख दिया जाए हीरा रख दिया जाए तो उसको भेद प्रतीत नहीं होता है उसी तरह से हमने भी नहीं समझा कि इस जागने के ब्रह्मांड में हमारी आत्मा को जगाने के लिए कौन आया है तभी तो कहा है आप हजी नहीं उलख्या जुओो विचारी मन आज सारा संसार सैकड़ों नहीं मैं समझता हूं सारे संसार के कॉलेजों विश्वविद्यालयों की संख्या जोड़ी जाए तो हजारों में आएगी हम सुंदर साथ भी चालीस लाख ,00 की संख्या में हैं हम चालीस लाख ,00 सुंदर साथ मिलकर श्री प्राण नाथ जी को उनके वास्तविक स्वरूप में नई पहचान कराने में समर्थ हो पा रहे हैं कि युगो युगो से संसार जिसकी बाढ़ देख रहा था युगो युगो से संसार जो जानना चाह रहा था कि मैं कौन हूं आया कहां से हूं कहाँ है सच्तानंद अक्षरातीत कहाँ है अक्षरातीत का अनंत सौंदर्य अनंत प्रेम अनंत आनंद उसकी व्याख्या करने के लिए परमधाम की ब्रह्मवाणी आई है हम उस ब्रह्मवाणी को फैलाने की अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं हम महलों जैसे मंदिरों का तो निर्माण करते जा रहे हैं लेकिन उस ब्रह्मवाणी के ध्वजवाहक तैयार नहीं कर रहे हैं जो जगह जगह जाए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे संसार को ही बताएं कि तुम्हारे ग्रंथों के अनुसार परम धाम क्या है अक्षरातीत ब्रह्म कौन है और हम तुमको बताते हैं कि कैसे उसका साक्षात्कार कर सकते हो इसके लिए ज्ञान के संवाहक तैयार करने होंगे समय का भाव है मैं ज्यादा कुछ वक्तव्य नहीं दे सकता केवल आज इसी चौपाई के पहले चरण की व्याख्या में मैं स यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से जो भी चर्चा सुन रहे हूँ उनसे मैं केवल एक आग्रह करूँगा कि अंतरात्मा से पूछें, रूह मैं रे तुम्हारा आशिक इसका अर्थ क्या होगा यदि अर्थ अभी तक नहीं समझा है तो वो अपने हृदय से पूछें, उनका हृदय बता देगा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है हमारा आशिक कौन है और हम किसके हैं छत्रसाल जी को पहचान हुई थी और छत्रसाल जी क्या कहते हैं छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर अंत्ये जान न दियूं राखो मेरेसिक रमाय आपित सब बात सुख दियूं छत्रसाल एक पल भी श्री जी से अलग नहीं होना चाहते और वियोग की लीला में अभी सोचते हैं कि जब श्री जी अंतर्धान कर रहे हैं तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगा आप सोचिए आपका प्राणेश्वर आप कि प्राण की नली से निकट रहता है आप जितना प्रेम करते हैं उससे अनंत गुना पहले भी करता था आज भी करता है और भविष्य में भी करेगा आप उसको छोड़ दोगे वो आपको नहीं छोड़ने वाला है इसलिए हमें अपने भूलों को प्रायश्चित के स्वरूप में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अतीत में हम बहुत कुछ भूले कर चुके हैं प्राण की ब्रह्माणी को संसार में उजागर करने के लिए हमें कर कमर कसना होगा और इस प्रयास में ज्ञानपीठ के बच्चों ने जो भी किया है श्रेय जी आशीष जी जो टीम वर्क है उसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ राज्य सब पर कृपा करें और आज ऐप के माध्यम से ये खुशखबरी सारे देश में फैल रही है देश विदेश में भी फैले हो रही है मैं सारे सुंदर साथ से कहूँगा जिसके पास धन होता है वो सेवा तो देता है लेकिन हमें तो कुछ और भी चाहिए मैं यही कहूँगा कि जिन माता पिता के पास दो से अधिक बच्चे हैं दो हैं कम से कम जो संस्कारित हों कुछ तो ऐसे दें जो विद्वान बनने की योग्यता रह सकें ब्रह्मवाणी के प्रकाश को फैला सकें, धनवान धन दे देंगे लेकिन कोई संतान देने के लिए आगे नहीं होता दो सौ से ज्यादा बच्चे आए कुछ को माताओं ने भका दिया कुछ को बहनों ने भका दिया कुछ को षड्यंत्रों के तहत हटा दिया, दिया गया कुछ धन कमाने के लालच में चले गए तो मिशन कैसे पूरा होगा वो भी दिन सोचिए गौतम बुद्ध ने अपने बेटे को कहा था कि आठ साल का था बेचारा राहुल अपने शिष्यों से कह दिया इसका सिर मोड़ दो सन्यासी बना दो एक पिता अपने बच्चे को सन्यासी बना रहा है पत्नी आकर कहती है कि आप मुझे भी सन्यासी नहीं बना दीजिए वो भी सन्यासी बन जाती है मां बन जाती है और एक राजकुमार जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना था वह हाथ में भिक्षा पात्र लेकर घर घर में भिक्षाम देह कह रहा है पैरों में जूते नहीं है बुद्ध के सिद्ध राहुल के पैरों में जूते नहीं है चौबीस घंटे में एक बार खाना मिलता है तब तो जावा सुम्रा बोर्नियो कितने देशों में बुद्ध का डंका बजा था हम साढ़े तीन सौ वर्ष हो गए हम राजाओं की जिंदगी जीते हैं राजमहलों जैसे केवल मंदिर बनाते रहेंगे ज्ञान के प्रकाश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ब्रह्मांडी कहां से फैलेगी इसलिए सबको त्याग करना होगा जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको बानप्रस्त में आकर ब्रह्मवाणी के प्रकाश के लिए अलग जगानी होगी जिन माताओं के पास दो बच्चे हैं दो से अधिक बच्चे हैं अपने हृदय को मजबूत करें ब्रह्मवाणी के प्रकाश के लिए उनको सौंपें वो बहु और पैसे के लालच में या मत अपने कर्तव्य से विमुख नो मैं सारे देश के लिए आह्वान करता हूँ यदि यह नहीं होगा तो आप परम धाम में जागृत होकर क्या मुंह दिखाएंगे राज्य को क्या आपने किया क्या है आपको जगाने के लिए जिस महामती के तन में वो स्वरूप बैठता है यदि मंदसौर की धरती पर आठ महीने भिक्षा मांग भिक्षा में मिले हुए भोजन को ग्रहण कर सकता है अरब की रेती पर वह चलता है राजस्थान में भ्रमण करता है दिल्ली जाता है हरिद्वार में सभी शास्त्रार्थ में सभी सभी महार्थियों को परास्त करता है जो ज्ञान के महार्थी कहलाते थे सबको नतमस्तक करता है हम उसकी ब्रह्मवाणी को लेकर भी मंदिरों में सोते रहे तो किसी भी दृष्ट से उचित नहीं होगा जागने का समय है मैं सोचता हूं मेरी यह वाणी किसी को झकझोर सके तो मैं अपने को धन्य समझूंगा आवश्यकता है केवल एक चीज याद रखें रख लीजिए कहिया चलते जान निस्बत अब बात न रही बोलन की कहिया चलते जा नस्बत यदि हम जग जाते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा सोते रहे तो जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सुखोवत है